नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और पटना सिटी से है। पटना साहिब तख्त से हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व में शामिल होने वाले संगतों को सुविधा व सुरक्षा को लेकर पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी उपेंद्र शर्मा समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ बैठक की, जहां पटना जिला अधिकारियों ने बताया कि कोविड के गाइडलाइंस का अनुपालन कराते हुए प्रकाश पर्व की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर हो गई है। पुलिस बल की तैनाती और प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए आने वाले संगतों को सुविधा मिले, इसके लिए साफ सफाई, बिजली पानी के साथ साथ अन्य प्रशासनिक सहयोग भी किया जाएगा। साथ ही संगत की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती व वाहनों के परिचालन रोकने की दिशा में भी प्रबंधक कमेटी के अनुकूल कार्य कराया जाएगा। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह महाराज की 354वें प्रकाश पर्व की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं आज पटना जिला अधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई और अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। श्रद्धालु के आने की संभावना है सर, नगर कीर्तन भी छोटे स्तर पर निकलेगा, जिससे बच्चे हर साल इस बार और छोटे स्तर पर ही कितने लोग की संभावना आने की सर यहाँ इस बार बता सकते हैं, यहाँ इस बार बता सकते हैं पिछले बार कितने लोग थे, उसका 1/3 एक तिहाई जो है उम्मीद है लोगों को। और हम लोगों ने ये भी अनुरोध किया है कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लोग घर बैठे देख सकें सारे कार्यक्रम। और यहाँ भी वीडियो वगैरह लगाया गया बड़ी संख्या में, ताकि एक जगह पर भीड़ भाड़ नहीं द्वारा किया जाए। असेसमेंट कर लें, क्योंकि ट्रेनों का भी परिचालन कम हो रहा है, असेसमेंट कर लें और वो अगर रिक्वेस्ट करें हम लोग उसका पूछा। जहाँ जाते कंगन घाट और कहाँ कहाँ निरीक्षण किया जाते हैं, गुरुद्वारा दोनों गुरुद्वारा को देखा, कंगन घाट भी देखा, और आरोपी प्रकाश का पार्किंग स्थल है वो देखा, हाई स्कूल का पार्किंग स्थल जा रहे हैं।
तो स्थल निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है और बैठक करके एक सहमति हम लोगों ने बनाया है और हम लोगों को उम्मीद है पूर्ण ढंग से सुरक्षित ढंग से कार्यक्रम पटना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और आप लोगों ने पहले देखा है इसे 350वां इसको पैमाना हर साल बढ़ा ही है और इस बार भी हम लोग इस बार की तैयारियों में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार जितने भी रोड के हम लोग की ड्यूटी रहती है गुरुद्वारा की सिक्योरिटी लंगर की सिक्योरिटी नाइट पेट्रोलिंग हाईवे पेट्रोलिंग उसके बाद आपका हेल्प डेस्क की व्यवस्था उसके बाद आपका स्वास्थ्य व्यवस्था फायर सेफ्टी रिवर फ्रंट है उसकी सेफ्टी सब जगह पर उचित पैमाने पर व्यवस्था कर रहे हैं। अतिरिक्त बल लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिला से बाहर से आएंगे बढ़िया अधिकारियों का भी डिप्लॉयमेंट बाहर से हम लोग करवाएंगे और पूरी पूरी पुख्ता व्यवस्था हम लोग करेंगे।